हाय, मेरा नाम शहबाज अहमद है। मैं बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम और आरसीबी के लिए खेलता हूँ। मेरा फैमिली हरियाणा मेवात में रहता है और मैं अभी कोलकाता रह रहा हूँ लास्ट 6 ईयर्स से। बचपन में क्रिकेट खेलता था तो मेरे कोच मंसूर अली सर थे जो गुड़गांव में प्रैक्टिस कराते थे, मैं उनके अंडर मैं काफ़ी खेला। उसके बाद बंगाल आने के बाद मैं बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ पे हमारे कोच अरुण लाल सर हैं, जोयदीप सर हैं, इनके अंडर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। 6 साल पहले मैं कोलकाता गया क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि वहाँ पे अच्छा क्रिकेट होता है। मेरा फ्रेंड था एक जो अभी हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेलता है, वो वहाँ मुझे लेके गया। बंगाल के लिए मैं अभी 2 सीजन खेला हूँ। मैं बंगाल के लिए फर्स्ट सीजन जो खेला था रणजी ट्रॉफी में, पूरा सीजन नहीं खेला था, बट लास्ट वाला जो सीजन था हमारी टीम फाइनल खेली थी तो वो मैंने पूरा सीजन खेला। विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली के भी पूरे मैचेस खेले, तो ये वाला सीजन मेरे लिए अच्छा गया। इनिशियल स्टेज में थोड़ा इश्यूज हुए थे मेरा एड्रेस को लेके, लेकिन वो बाद में सॉर्ट आउट हो गया था। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बट वो लाइफ का एक अप एंड डाउन ये चलता रहता है, वो भी एक डिफ़िकल्ट टाइम था लेकिन वो अच्छे से गुजर गया। उसकी वजह से मैंने अपना क्लब क्रिकेट का एक मैच मिस किया था। बचपन में मेरे फादर ही मुझे खिलाते थे, मेरे अंकल और फादर दोनों ने काफ़ी मुझे बचपन में काफ़ी खिलाया, तो मुझे तभी से मुझे पता था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। आइडल में उस टाइम पे ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। 11th और 12th क्लास में काफ़ी क्लास बंक करके क्रिकेट खेली है मैंने। मेरा हमेशा यही था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और जो फैमिली का जो सपोर्ट था कि वो ये था कि मेरे पापा जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे साफ बोला था कि अगर तुम लाइफ में क्रिकेटर बनना चाहते हो तो जो भी तुमको करना है लाइफ में करो, बस कुछ करके दिखाना है। तो उनकी जो बात थी वो बड़ी सीरियस थी मेरे लिए, तो उनसे जो सपोर्ट मिला उनकी बदौलत में आज यहाँ पे आप लोगों के साथ। घर का सभी को याद आता है, लेकिन मेरे लिए जो टाइम चल रहा है इसको भी मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि IPL का जो टाइम पीरियड होता है वो भी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। वहाँ भी इस चीज़ को मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डेज इंजॉय करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट एक थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ से कभी कोई प्लेयर रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला। वहाँ से किसी प्लेयर का IPL में खेलना पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ही एक प्राउड का मोमेंट है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही मेरे लिए बहुत खुश है। सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, फैमिली भी बहुत खुश है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था एकेडमी में, तो मैं पहली बार गया था तो मेरे पास ड्रेस नहीं था, वाइट किट जो होता है वो नहीं था, तो उन्होंने मुझे ग्राउंड में एकेडमी में खेलने का एंट्री नहीं मिला फर्स्ट डे। तो वहाँ पे जो जिनका ग्राउंड था वो लोग खेल रहे थे यूँ ही नॉर्मली, तो कोच आया तो मैं उनके साथ खेलने लगा, जो ग्राउंड के जो मालिक थे। तो ड्रेस में वो स्पिन बॉल डाल रहा था, तो वहाँ पे कोच ने देखा कि स्पिन बॉल अच्छा डाल रहा है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से स्पिनर ही बना दिया। तो बाद में मैं काफ़ी सोचता रहा कि एक महीना हो गया कि मैं तो मीडियम पेस बॉल डालता हूँ और इन्होंने मुझे स्पिनर बना रखा है और बैटिंग भी नहीं दे रहे। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि ये क्या हो रहा है, मैं तो मुझे बैटिंग भी करना है और मीडियम पेस बॉल डाल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ स्पिन बॉल डला रहे हैं। फिर बाद में सब कुछ सही हो गया, मैं वहाँ से स्पिनर ही बन गया, फिर मीडियम पेस डालने का कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं अपने आप को बैटिंग करता था, अच्छी बैटिंग पे पूरा फोकस करता था, बॉलिंग बस डाल देता था। लेकिन कोलकाता में आने के बाद स्पिन बॉलिंग मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि वहाँ पे डेज क्रिकेट खेली और 4-day game जब खेलते हैं तो वहाँ पे इम्प्रूव होता है, वहीं से इम्प्रूव। जडेजा भाई से अभी बात तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जो वो इंडिया के लिए जो उन्होंने किया है, मैं भी वही अपनी टीम के लिए करना चाहता हूँ, चाहे मैं RCB के लिए खेलूँ चाहे मैं बंगाल के लिए खेलूँ। उनका जो बैटिंग, उनका जो बॉलिंग और जो फील्डिंग है, फील्डिंग के बारे में तो पूरा वर्ल्ड जानता है, तो वही मैं अपनी टीम के लिए करना चाहता हूँ। मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ कि मैं अगर रविंद्र जडेजा की तरह अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो वो मेरे लिए बेस्ट। मैं CAB को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो टफ टाइम्स था उसमें उन्होंने मेरी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट किया और मुझे स्टेट क्रिकेट खेलने का चांस दिया उन्होंने, क्योंकि उससे पहले कभी मैं स्टेट क्रिकेट खेला नहीं था। तो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे सपोर्ट करने में। सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं बंगाल में मुझे, तो वो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं CAB का प्लेयर हूँ और मैं RCB के लिए खेल रहा हूँ। RCB टीम में आने के बाद मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। उससे पहले मैं, ये मेरा पहला एडिशन है IPL का, तो उससे पहले एक्सपीरियंस नहीं था इतना बड़ी लीग में खेलने का। तो अभी मैं यहाँ से जो विराट भाई हैं, AB सर हैं, इन लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है कि इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। ये लोग क्या मेहनत करते हैं अपने गेम में, जो इतने सक्सेसफुल इनका करियर रहा है अभी तक, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और यहाँ पर हर कोई जो प्लेयर है, यहाँ पर हर प्लेयर एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है।
इंडिया प्लेयर हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारी टीम में, तो उन लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं गेम। बेस्ट एडवाइस जो मुझे यहाँ पे मिला है वो हमारे कोच साइमन सर से ही मिला है, क्योंकि उन्होंने मेरे बैटिंग के बारे में कस हुआ था प्रैक्टिस सेशंस के टाइम पे, और माइक हैसन सर ने भी से भी मेरा बात हुआ था, थोड़ा मेरा ग्रिप में प्रॉब्लम आ रहा था तो उन्होंने भी वो मैंने उनसे पूछा था तो वो भी मेरा सॉर्ट आउट हुआ है। हाँ, मुझे पता था कि मैं प्रैक्टिस सेशंस में अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे चांस मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा विकेट्स जो थे मीडियम पेसर्स के लिए हेल्पफुल थे तो उस टाइम पे मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी थोड़ा विकेट स्लो डाउन हो रहे हैं तो स्पिनरों का रोल थोड़ा रहेगा, तो अभी मुझे टीम ने मौका दिया तो मैच से पहले मैं थोड़ा नर्वस था पर अभी ठीक। आईपीएल में ही सारे टीमों में अच्छे बैट्समैन हैं, हमारी टीम में विराट भाई और एबी सर जैसे बैट्समैन हैं, तो इनको बॉल डाल के ये एक्सपीरियंस मिला कि इनके सामने बॉल डाल रहे हैं तो गलती करने का जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। We spoke about the start of the tournament, about creating memories together. I'm going to reserve probably the biggest one for the guys that got the toughest job. So it's all the boys that have either played a few games or been in and out, the ones that are sitting on the bench. One of our characters in this squad gets his first cap for RCB. So it's a very special day for him and the rest of us to share in that with him. So Jahal and Zant, can you please come up and present Shahbaz with his cap? पहला आईपीएल का गेम था तो थोड़ा नर्वस था कि क्या होगा मैच में, कभी उससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो साइमन सर ने मुझे बताया कि तुम कल डेब्यू करने वाले हो तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, रात भर सोया नहीं कि पूरा दिमाग में ब्रेन में चल रहा था कि क्या करना है मुझे, कल मैं क्या करूँगा और क्या मेरा रोल है होगा और मुझे अच्छा करना है जो भी मेरे को रोल मिलेगा टीम में। मुझे पता था कि मेरा डेब्यू होने वाला है लेकिन वो पेरेंट्स को बताना अलाउड नहीं होता है, तो मैंने बस अपनी अम्मी से बात की कि उनको बस नॉर्मल बात किया, उनको गेम के बारे में कुछ नहीं बताया, वो सोच भी नहीं रही थी कि आज ये खेलने वाला है। तो फिर उस मैच के बाद मैंने बात किया तो सब लोग काफ़ी खुश थे, वहाँ पे रिपोर्टर्स लोग आ गए थे और सारी फैमिली इकट्ठा होकर मैच देखे। मेरे दादाजी वो मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो अभी RCB को सपोर्ट करने लगे हैं। पहला गेम था तो ये पहला गेम पहले स्पेशल ही होता है सभी के लिए, तो सब कुछ अच्छा ही हुआ, पॉजिटिव हुआ सब कुछ, लास्ट में कैच अच्छा हुआ तो वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। एंड वी स्पोक अबाउट टू थिंग्स, वन इज बीइंग ब्रिलियंट ऑन द फील्ड एंड द सेकंड वन ग्रोइंग एज अ टीम। आई थिंक आई विल हैव टू सिंगल आउट शाहबाज़'s एफर्ट विद दैट कैच, ऑब्वियसली एनहांस द अपॉर्चुनिटी टू फॉर मॉरिस टू बॉल इवन बेटर ओवर, सो वेल डन ऑन दैट। मेरा बिगेस्ट ड्रीम यही है कि मैं टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ इंडिया के लिए, वो मेरा बिगेस्ट ड्रीम है, लेकिन अभी मैं उसके लिए नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं आईपीएल में मुझे जो भी मौका मिले, जो भी मुझे रोल मिले, मैं उसको अच्छे से करूँ। मेरा फेवरेट क्रिकेटर अभी बेन स्टोक्स है, क्योंकि जो उन्होंने एशेज मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली थी मैं उससे उनका फ़ैन हो गया, और उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में भी जो इनिंग खेली थी वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जो वो एनर्जी डालते हैं टीम के लिए बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, वो बहुत अच्छा है उनका। मुझे मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है, नए फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है टीम में। जब मैं आया था थोड़ा नर्वस था क्योंकि यहाँ पे मेरा पहला सीज़न है और सभी लोग ये लगभग एक दूसरे के साथ खेले हुए थे, तो मैं इन लोगों के साथ कभी खेला नहीं था, तो अभी यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने। हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से पॉजिटिव चीज़ें और अच्छा मस्ती मजाक का टाइम मिले, तो वही है कि बस यही है लाइफ में, इंजॉय करना है बस, और अच्छा चल रहा है सब कुछ। RCB टीम में हमारे सैनी भाई, उमेश भाई और ये नेगी भाई, इनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया है, अभी अच्छा लगता है इनके साथ रहना, अच्छे सभी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे लोग हैं, इंसान हैं, तो ये अच्छा लगता है। चहल भाई हमेशा ही अच्छे हैं, वो अच्छे सीनियर रहे हैं हमेशा ही मेरे लिए, क्योंकि मैं उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ। जेम्पा को तो सभी लोग जानते हैं, वो कितना फनी है, तो उनके साथ भी अच्छा बातचीत हुआ है। जब कभी भी टीम रूम में कोई भी इवेंट होता है तो हम लोगों को पार्टनर रहना होता है, तो अच्छे हैं चहल भाई और जेम्पा भी बहुत अच्छे। Just for me, obviously, Kato touched on how good the 12thies were, but one in particular, Shahbaz, yep. Walking around the boundary, chanting, cheering, every dot ball, it was like...